बोली श्री कृष्ण भगवान की जय हो। सभी भक्तजनों को राधे राधे। सभी भक्तजनों को भगवान श्री कृष्ण जन्म की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी भक्तों को भगवान श्री कृष्ण जन्म कब मनाना चाहिए उस शुभ मुहूर्त से अवगत करवाएंगे। सभी भक्तजनों को सूचित करते हैं कि जैसे हर त्योहारों पे संशय होता है, उसी प्रकार इस जन्माष्टमी के विषय में भी कुछ लोगों को संशय हो रहा है। आप देख रहे हैं हम सफर लाइव। हमारे सभी शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म जिस दिन मनाया जाता है, रोहिणी नक्षत्र के अनुसार रोहिणी नक्षत्र बुधवार, वृष राशि के चंद्रमा और अर्धरात्रि अष्टमी तिथि भाद्रपद कृष्ण पक्ष के संयोग में मनाया जाता है। अब की बार 6 तारीख में ये 6 के 6 तत्व हमें उपलब्ध हो रहे हैं। इस शुभ पुण्यकाल की हमारे शास्त्रकारों ने, सभी विद्वानों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। भविष्य पुराण के अनुसार, गौतमी तंत्र के अनुसार, निर्णय सिंधु के अनुसार, सभी मतों के अनुसार ये जो शुभ घड़ी में जब अर्धरात्रि में वृष राशि के चंद्रमा हो और अष्टमी तिथि का संयोग हो, उसी में व्रत का हमें शुभ पुण्य फल मिलता है। ये इसका लॉजिकली, जैसे व्रत क्यों करते, इसका लॉजिक क्या है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, उस समय पॉजिटिव एनर्जी, हमारे खगोलीय पिंडों के सिचुएशन के अनुसार एक पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न हुई थी। और आपने सुना भी होगा, अनेक शास्त्रों में इसका वृतांत भी आता है कि कंस ने जब इसकी 6 संतानों का वध कर दिया था और इसका भविष्यवाणी हुई थी, जब 6ठी संतान थी देवकी की, 7वीं संतान थी जब उनका उन्होंने वध किया था और वो बिजली का रूप बना करके ब्रह्मांड में विलय हो गई थी, और भविष्यवाणी की थी कि है कंस, तुम्हारा वध करने के लिए देवकी की 8वीं संतान का अवतार होगा। उसी के डर के मारे भगवान श्री कृष्ण का 8वीं संतान थी, इसका वध करने के डर था सभी भक्तों को, और इसी के सुरक्षा के लिए कामना करते हुए सभी गृहस्थी लोगों ने उस शुभ घड़ी तक का इंतजार करते हुए व्रत किया था। वही शुभ घड़ी 6 तारीख अर्धरात्रि अष्टमी तिथि का संयोग हमें मिल रहा है। सभी तत्व उपलब्ध हो रहे हैं। कृपया सभी भक्तजन, गृहस्थी माताएं बहनें 6 तारीख में भगवान श्री कृष्ण का व्रत उपवास रखें, भजन संकीर्तन करें, भगवान को अर्घ्य दें, देवकी को अर्घ्य दें और भगवान श्री कृष्ण जी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। 6 तारीख में ही सभी योग हमें उपलब्ध हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।